फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम आलू पराठा बना रहे हैं। ना ये फटेगा ना टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। आसानी से आप इसे बेल सकते हो, तो इसे इजी तरीके से हम बनाएंगे। नहीं तो क्या होता है, इधर स्टफिंग करते हैं, बेलते बेलते वो टूट जाता है या फिर स्टफिंग निकल जाता है, तवे पे डाल तो वो जल जाता है, तो वही हमें झंझट पे फंसना ही नहीं है। तो हम अलग तरीके से बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे आलू का पराठा ही और हेल्दी बनाएंगे। तो सिर्फ मैंने गेहूं का आटा नहीं लिया है, गेहूं के आटे के साथ मैंने बेसन लिया है, बेसन के साथ मैंने बाजरी का आटा लिया। आपके पास जो भी है आप डाल सकते हो, हेल्दी बनाना है तो पूरा हेल्दी बना दो। तो अभी इसे पहले जो आटे है ना वो हम पहले मिक्स कर देते हैं। आटा हमें मिक्स करना ज़रूरी है क्योंकि हमने तीन आटे डाल के इसे हम हेल्दी बना रहे हैं। अभी इसे इस तरह से हमने बना दिया, तो इसमें मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, तिल, नमक, हल्दी, आइसिंग शुगर, हींग, इस तरह से लिया है, वो सब डाल देते हैं। साथ में एक टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी ली है वो भी डाल देते हैं। आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप धनिया डाल सकते हो। इसके साथ मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। आपके पास दही होगा तो आप दही भी डाल सकते हो, तो भी ये बढ़िया सा बनेगा। बनाना है तो इस तरह से बनाएं कि वो टेस्टी भी और हेल्दी भी, दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। अभी जो हमने चीज़ डाली है ना, जितने भी हमने सामग्री डाली है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये मैंने लिए है तीन आलू, इसे मैंने कद्दूकस कर दिया है। तो अभी पहले हम आलू डाल देते हैं, इसके साथ तेल का मोयन डाल देते हैं। एक टेबलस्पून, एक से दो टेबलस्पून आप तेल का मोयन डाल दीजिए और ये आलू के साथ जो हमने आटा मिला है डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही हम पानी डालेंगे, पानी डालने की जल्दबाजी नहीं करनी है। तो पहले हम जो आलू है ना तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत कम पानी में ये अच्छी तरह से बन जाएगा। अभी मैं इसे मसल मसल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी देखिए बहुत सारा आटा मिक्स हो गया है, तो इसे हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेके डालेंगे इस तरह से। दो से तीन चम्मच जितना पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से दो टेबलस्पून जितना हमने पानी डाला और इसे हमने इस तरह से गूंथ लिया है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा देते हैं और इसे थोड़ा मसल लेते हैं। और अभी इसमें से एक लोई लेंगे और इसे बेलेंगे। देखिए इस तरह से हमने लोई ले लिया है। अभी इसे हम आटे में डिप करेंगे और इसे हम बेलेंगे। और आसानी से इसे बेलिए। हर बार वही झंझट, ये यहाँ से निकल गया, वहाँ से निकल गया, फट गया, ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो, पतला मोटा आपके हिसाब से बनिए, पर ये थोड़ा सा मोटा ही रहता है। पराठा जैसे हम बनाते हैं ना इसी तरह से होता है। ये देखिए कितना आसानी से बन गया, ये देखिए। अभी दूसरा भी मैं इस तरह से बेल लेती हूँ। अभी तवा हमने रख दिया है तो अभी इसे हम डाल देते हैं और एक साइड से हम होने देते हैं, उसके बाद उसे टर्न करके तब तक हम दूसरा बेल लेते हैं। अभी इसे करते हैं टर्न, ये देखिए। इसे हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी फटे नहीं और टेस्ट और भी बढ़िया सी लगेगी। सब तरह से इसे हमें अच्छी तरह से सेकना है। बनाने में आसान, खाने में लाजवाब और कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी इस पे डालेंगे ऑयल। आपको जो भी
डालना है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये पराठे तेल में ही अच्छे लगते हैं। इसे अच्छी तरह से सेकना है तो बढ़िया सा तेल देगा, ये एकदम मस्त है। ये देखिए दोनों तरह से बढ़िया से हो गए हैं, तो इसे हम निकाल देते हैं और दूसरा तोरण डाल देते हैं। ये देखिए अभी ये साइड हमारी सिक गई है, तभी हम तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद वापस इसे टर्न करेंगे और इस तरह से दूसरी जो साइड बची है जिसे हमने ऑयल लगाया है तो उस पर डाल देते हैं। ये देखिए वापस टर्न करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा सिक्का है, हमें इसी तरह से चाहिए और गरम गरम खाने में तो एकदम मज़ा आता है। और अभी भी वैसे ठंड का सीजन चल रहा है तो ऐसे ही गरम खाने में मज़ा आता है। ये देखिए मैं पास से बताती हूँ, ये देखिए तो अभी इस तरह से मैं दूसरे सब बना लेती हूँ। ये देखिए हमारे आलू के पराठे, ये देखिए बिल्कुल आसानी से बनने वाले, ना ये फटे हैं ना कुछ नहीं हुए, ना आपको ये फटने का डर, ना कैसे बोले या क्या करें ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल तरीके से आप बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से, और ये सॉफ्ट है, ये देखिए पूरा आप इसे फोल्ड कर दीजिए, ये देखिए एकदम आसानी से सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इसके साथ हमने लिया है प्याज, हरी मिर्च की चटनी, मूंगफली की चटनी, ये देखिए बढ़िया से एकदम टेस्टी यम्मी सी ये मूंगफली की चटनी, साथ में आप दही भी खा सकते हो। तो इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और आसानी से सिंपल तरीके से बढ़िया सी आलू पराठा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं बनाने में और आसानी से और जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। ये देखिए वाह क्या बात है, इसके साथ आप दही भी एंजॉय कर सकते हो। तो आपको जैसे भी पसंद है आप आपके हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपको इसके साथ खाना है या चाय के साथ खाना है तो भी बढ़िया सा है। तो आप इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।